रेडी स्टार्ट। हमारे यहाँ खेती किसानी एक प्रकार से हमारी संस्कृति की मुख्य धारा का हिस्सा रही है। ब्राह्म एक प्रकार से हमारी संस्कृति की प्रवाह के साथ हमारी किसानी जुड़ी हुई है। ब्राह्म हमारे ऋषियों ने मुनियों ने इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। ब्राह्म बहुत सारे उत्तम अनुभव भी हैं और हमारे यहाँ राजा भी खेतों में हल चलाते थे। ब्राह्म हम जनक राजा की बात तो जानते हैं। ब्राह्म कृष्ण भगवान के भाई बलराम की बात हम जानते हैं। ब्राह्म हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक प्रकार से समाज जीवन के कल्चर का हिस्सा रहा है। ब्राह्म हम उसी हिस्से को लेकर कह रहे हैं और यह हमारी संस्कृति ही है। ब्राह्म हमारे पर्व हों, त्यौहार हों, हमारे गीत हों, सब चीज़ें फसल बोने के समय के साथ या फसल काटने के समय के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। ब्राह्म यह हमारे यहाँ पर परंपरा रही है। ब्राह्म हमारे जितने लोकगीत हैं वे भी किसानी से जुड़े हुए होते हैं, फसल से जुड़े हुए होते हैं और त्यौहार भी उसी से जुड़े हुए रहते हैं। ब्राह्म हमारे देश की विशेषता देखिए, हमारे यहाँ किसी को आशीर्वाद देते हैं या शुभकामना देते हैं तो उसके साथ धन धान्य शब्द उपयोग करते हैं। ब्राह्म मैंने राज्यसभा के अंदर विस्तार से छोटे किसानों के संबंध में बात कही है। ब्राह्म देश के 80-85% वर्ग को उपेक्षित रखकर देश का भला नहीं कर सकते हैं। ब्राह्म हमें उसके लिए कुछ सोचना ही होगा और बड़ी नम्रता के साथ सोचना होगा। ब्राह्म पहरा हमारे यहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे जमीन का टुकड़ा छोटा होता जा रहा है। ब्राह्म परिवार के अंदर जमीन बट जाती है। ब्राह्म चौधरी चरण सिंह जी ने तो एक जगह पर यह कहा हुआ है कि हमारे यहाँ किसान की जमीन की मालिकी इतनी कम हो रही है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर उसे अपने खेत में ही ट्रैक्टर को टर्न करना होगा तो वह नहीं कर पाएगा। ब्राह्म इतना ही जमीन का टुकड़ा होगा। ब्राह्म यह चौधरी चरण सिंह जी के शब्द हैं। ब्राह्म आज़ादी के बाद हमारे देश में 28% खेतिहर मजदूर थे। ब्राह्म अब यह किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि 28% से हमारा खेतिहर मजदूर 55% तक पहुंच गया है और जमीन कम होने के कारण खेती से जो रिटर्न मिलना चाहिए वह नहीं मिलने के कारण उसके जीवन में ये मुसीबतें आई हैं और वह किसी और के खेत में जाकर
मजदूरी करने पर मजबूर हो गया है। ब्रह्म, हमारा किसान आत्मनिर्भर बने उसको अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिले, उस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है। ब्रह्म, हमारा किसान सिर्फ गेहूं चावल तक सीमित रहे उससे भी बात बनने वाली नहीं है। ब्रह्म,